सूरजपुर वर्सेस एमसीबी। नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए। स्वीकार मित्रों, इस समय भोजन वाला टोकन जारी करना शुरू करें। मल्टीपर्पज मैच हो गया है, उन्हीं को टोकन दे और खाना खाने के लिए भेज दें। स्टेडियम में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पे 36 गढ़िया ओलंपिक 2023 का आयोजन किया जा रहा है संभाग स्तरीय। और यहां पे आप देख सकते हैं कि पूरे संभाग से आए हुए ऐसे हजारों की संख्या में अलग अलग जिनका मैच हो गया है, मैच के खिलाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खेल चल रहा है और यहाँ हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों से आए हुए हैं ये खिलाड़ी अलग अलग विधा से। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है बहुत पॉपुलर हो रहा है और इससे बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिनको कि प्रतिभावान हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के ये सभी खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं। आइए जरा हम कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं? बलरामपुर जिला से। बलरामपुर, क्या खेलते हैं आप? खो खो कबड्डी। अच्छा, क्या यहाँ कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ चल रहा है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है और आप क्या खेलते हैं? सुनील सिंह, मैं खो खो खेलता हूँ। अच्छा, मजा आ रहा है? हाँ, पूरा बहुत यहाँ आके बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खेल के। हाँ हाँ, इसलिए हम काका को धन्यवाद बोलना चाहेंगे। जो काका मतलब हम जिसे माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो यहाँ। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर यह वीडियो आपके तक पहुँच रहा है तो आपने यह जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरुआत किया है, आपको खिलाड़ियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा कुछ और खिलाड़ियों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? कुमारी सुनीता खुरसिंगा है। हाँ, मैं बलरामपुर से आई हूँ और खो खो खेलती हूँ। खो खो खेलती हैं। अच्छा, आप क्या खेलते हैं आप बता दो? मैं खो खो खेलती हूँ। अच्छा, खो खो खेलती, आप लोग का खेल हो गया? नहीं, मतलब अच्छा एक राउंड हुआ है। हाँ, तो देख सकते हैं बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और कोई खिलाड़ी बोलना चाहता है? भैया, भैया तो मित्र आप देख सकते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं बलरामपुर जिले से। आइए जरा कुछ और लोगों से हम यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं कि यह किन किन विधाओं में यहाँ पे खेल हो रहा है। आप इधर देख सकते हैं अलग विधा पे कुछ खेल चल रहा है, अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। और देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे अलग अलग विधाओं में, यहाँ भी एक खेल चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हुजूम खिलाड़ियों का। और पूरे इस अंबिकापुर के स्टेडियम के इस में अलग अलग है। जरा आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ, एक बार जरा बताइए भैया, कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या खेल रहे हैं? कहाँ? हाँ, क्या से खेल रहे हैं? लुम्ब्रा से आए हैं। अच्छा, क्या खेल खेलते हैं आप लोग? कबड्डी। कबड्डी, अच्छा आप लोग का खेल हो गया? विवाद हो रहा है उसी को। अच्छा, विवाद हो रहा है, कोई बात नहीं, खेल में विवाद चलते रहता है, जितना बढ़िया खेल उतने ज़्यादा विवाद है ना। चलिए तो मित्रों आप देख सकते हैं, अभी और मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। इधर भी इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का कुछ कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे कुछ खेल हो रहा है, तो इनके पास आपको मैं ले चलता हूँ। और देखिए आप ये खिलाड़ियों का किस तरह से उत्साह है, यहाँ भी कुछ खेल हो रहा है तो इनका भी आप खेल देखिए। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है भैया, क्या खेल हो रहा है यहाँ? कबड्डी खेल रहा है। कबड्डी तो अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, कहाँ कहाँ का भी होना है अभी? एमसीबी। अच्छा, जिला एमसीबी और सूरजपुर जी। आप अपना एक बार परिचय भी दे देंगे जरा? जी सर, मैं दया सिंह विके। अच्छा, क्या है विके साहब आप? पीटीआई। पीटीआई, जी जी जी। अच्छा, तो ये पूरा जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संभाग स्तरीय है ये? जी सर, संभाग स्तरीय। अच्छा, कब तक चलेगा? कल तक, 22 तक। अच्छा, आपकी कौन कौन सी टीम भाग ले रही है आपके जिले से? सभी में है। सभी में है। तो ये विके जी थे, बता रहे थे कि इनके यहाँ की जो टीम है सभी वर्ग में इनके यहाँ के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो यहाँ अभी कबड्डी होना है, तो आइए ज़रा देखते हैं, ये खेल की शुरुआत भी हो रही है। तो मित्रों, ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में, और इसका श्रेय जो है, इसका जो सोच है छत्तीसगढ़ शासन और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि स्कूल और ग्रामीण क्षेत्रों से जो खिलाड़ी हैं उनको एक बहुत मौका मिल रहा है। भैया बताइए, आप कहाँ से आए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं?
बताइए फरीदपुर जिले से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार सिंगर। अच्छा सिंगर जी, क्या खेलते हैं आप? हम कबड्डी खेलते हैं सर। अच्छा, अभी आप लोग का मैच है? अभी एक मैच खेल चुके हैं, अभी रुका हुआ है गेम। अच्छा, हार गए कि जीत गए? जीते हैं सर। जीते हैं ना, चलिए बहुत बहुत बधाई। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं क्या बहुत सारे खिलाड़ी हैं, यहाँ कबड्डी हो रहा है। और भी हम आगे आपको ले चलेंगे और इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का यह जो नज़ारा है देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो बादल भी जो है, मौसम भी है बहुत खुशनुमा है। और आज अंबिकापुर के मौसम में थोड़ी बरसात है, रिमझिम रिमझिम पानी भी हो रही है। और ऐसे में इस ओलंपिक का जो नज़ारा है वो थोड़ा और खूबसूरत हो जा रहा है। खिलाड़ी जी ज़रा इधर सुनिए। हाँ, क्या नाम है आपका, क्या खेल रहे हैं आप इधर? मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, मेरा नाम सुंदरपाल सिंह कमरू। अच्छा, आपका? मेरा नाम सुपाल सिंह है। अच्छा, हाँ, आप लोग ये माननीय मुख्यमंत्री जी का लगा हुआ है टी शर्ट भी पहने हैं, है ना काका? हाँ, कप कबड्डी, वाह। तो देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको काका के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग बहुत उनको प्यार करते हैं। और उन्हीं का देन है कि यहाँ पे यह छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस पूरे ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इस समय पूरा यह खिलाड़ियों से भरा हुआ है। और यह जो खेल का यह नज़ारा, ऐसा माहौल, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ और लोगों से भी आपका बातचीत कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यह छत्तीसगढ़िया चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी तरह खिलाड़ियों से भरा हुआ यह जगह, निसंदेह बहुत ही अच्छा माहौल है और इससे बहुत सारे खिलाड़ियों को अवसर मिलता है, प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप में लड़के लड़कियां सभी खिलाड़ी और सभी जगह यहां पे मुख्य जगह है जहां से इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। बहुत ही बृहद पैमाने पर यह खेल चल रहा है। तो आइए हम ज़रा कुछ और लोगों से भी आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, मिलाएंगे कि छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक है वो किस तरह से लोगों के अंदर है। ये कहाँ की टीम है? सूरजपुर। क्या खेलती हैं आप लोग? अच्छा, चलिए जरा क्या ये खेल होता है, यहाँ आप लोग कब से खेल रहे हैं, आज मैच हुआ कि नहीं? हारे आज तीसरा दिन है सर, एक बार दो बार मैच जीत चुके हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए एक दूसरे के लिए। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह है इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में। और कोई बोलना चाहेंगे आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। रिक्वेस्ट का काल में बहुत बहुत धन्यवाद दे तो हम के घर ले निकले तो आशीर्वाद के साथ जय आओ लंबा भी जय। अच्छा, हाँ, हमारे 40 साल के बाद खेले बार मौका दे। अच्छा, चलिए तो एक बार भूपेश बघेल जिंदाबाद हो जाए। तो मित्र, आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से यह जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई है, इसमें बहुत सारे खिलाड़ियों को ऐसा जो कि घर में रहते थे और अब उनको खेलने का, जीतने का, बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, उसलिए उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं और उनके लिए जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। और देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा यह स्टेडियम, यह नज़ारा और कुछ और खिलाड़ियों के साथ लोगों से हम बातचीत करेंगे। भैया, आप लोग क्या खेल खेल रहे हैं जरा बताइए, नाम परिचय के साथ। मैं मनोज पेकरा जी, बलरामपुर जिला। अच्छा, हाँ, बलरामपुर से। क्या खेल आप लोग खेल? संखली। अच्छा, तो अभी हो गया आप लोग का मैच की? नहीं हुआ है। अच्छा, अभी होगा, अच्छा इसके बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि यह पूरा जो अंबिकापुर का यह स्टेडियम है, यहाँ सिर्फ खेल और खिलाड़ियों से भरा हुआ है। और आइए जरा हम आपको कुछ और खेल की तरफ ले चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ खेल चल रहा है अलग अलग वर्ग में, और आइए जरा हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का कबड्डी और बाकी खेल हो रहा है। तो आइए जरा इसका भी नज़ारा और आप सबको दिखाते हैं। निसंदेह खेल एक ऐसा चीज़ है जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है और एक आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। तो आइए जरा हम एक खेल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ एक खेल चल रहा है। तो इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बहुत कुछ देखने करने को है, तो आप
देखिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ खेल और खिलाड़ियों का यह जमावड़ा है, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे खेल हैं यहाँ पे। आप लोग कौन से खेल से हो बेटा, जरा बताओ तो जरा। अच्छा, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि यहाँ आप लोग क्या कर रही हैं, बताइए कहाँ से आई हो, क्या नाम है? मेरा नाम सीता है, हम लोग जसपुर से आए हैं। जसपुर से आए हैं, क्या खेल खेल रहे हैं? संखली खेल खेल रहे हैं। संखली खेल खेल रहे हैं, अच्छा मजा आ रहा है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में। अच्छा आप लोग का खेल हुआ? हाँ, हो गया। हो गया, जीते कि हारे? सेकेंड आवा, बहुत बहुत बधाई। तो मित्रों देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों का जमावड़ा है, बहुत सारे लोगों के साथ हमने बातचीत भी किया। अब यहाँ थोड़ा लंच का भी टाइम हो रहा है और उसके बाद लगातार यह जो ओलंपिक है यह चलता रहेगा। और खेल से वास्तव में बहुत सारी चीज़ों का फायदा होता है, खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये देखिए छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक गेड़ी नृत्य, गेड़ी। जरा बताओ भैया आपका नाम बताओ, कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो? चक्रधारी कोरिया से। अच्छा ये क्या है ये? गेड़ी। गेड़ी, चलो चल के दिखाओ जरा, जाओ जाओ। ये हो गया आपका ये गेड़ी प्रतियोगिता? हाँ कल था। कल था, हारे कि जीते? नहीं मैं नहीं खेल रहा। अच्छा आप नहीं खेल रहे, तो ये देखिए ये गेड़ी है, ये छत्तीसगढ़। लेकिन उंगली छिल जाता है। जी 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 जी। तो मित्रों ये बहुत सारा यहाँ पे खेल है, खिलाड़ी है। तो मित्रों ये आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का नज़ारा और सभी खेलते हुए खिलाड़ी और संख्या में ये आप देख सकते हैं, यह एक खेल है। तीन नंबर ये आउट सर। चक्री थोड़ा सा बना के हाँ। तीन नंबर आउट सर। जनपद पंचायत उदयपुर जिला सरगुजा, तो ये सभी खिलाड़ी कृपया करके भोजन कर लें। जनपद पंचायत उदयपुर जिला सरगुजा से जो भी आए हैं खिलाड़ी करो कृपया भोजन कर लें। तो मित्रों अब यहाँ पे लंच ब्रेक हो रहा है और मैं भी अभी इस कार्यक्रम को ही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।